लगाना शुरू कर दी है। इमरान को देखना होगा कि लोगों की जमीनों पर कब्जे करके चलना मुश्किल होगा। कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम शरीफ लोग हैं, पुरअमन तरीके से रहना चाहते हैं, जायज काम करते हैं और मैं आज सारी कौम के सामने ये बात कह रहा हूँ कि ये मामला अदालत में है। अगर अदालत उनके हक में फैसला कर देती है, फोरम उनके हक में फैसला कर देता है, मैं पहला बंदा हूँगा, मैं जाके मौके पे खड़ा होकर उनका हक उनको दिलवाऊंगा। लेकिन ये तरीका कार नामुनासिब है कि वो आके कब्जे करने शुरू कर दें और एक सिटिंग MNA हुक्मरान जमात वो रात को हफ्ते वाले दिन ऑफिस टाइम के बाद 5-5:30 बजे जाके कार्रवाई शुरू करे और भर्ती डालना शुरू करे ताकि अदालत का दरवाज़ा भी ना खटखटा सके, दफातर भी बंद हो जाएं और इतवार वाले दिन ये सारा काम हो जाए। और आज यहाँ पहुँच के इक्तदार में आके उन्होंने चीज़ों पे कब्जे करने शुरू किए हैं, जायदादों पे कब्जे करने शुरू किए हैं। हम कोई डंडे मार तो हैं नहीं, हम तो सियासी कारकुन हैं और इनका कोई कसूर नहीं सिवाय इसके कि ये मेरे रिश्तेदार हैं और ये पीपल्स पार्टी हैं, शरीफ लोग हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी की कैटेगरी में ये वहाँ से अपना अपना सारा कुछ कमा के लाए थे। ये जो तहरीक इंसाफ के नारे थे इसमें ये मुख्तलिफुल ख्याल जो लोग आए हैं उन्होंने अपने अपनी दिहाड़ियाँ लगाने के काम शुरू कर दिए और इस पर खान साहब को भी अब तवज्जो करने की ज़रूरत होगी। क्या यही नारे थे? क्या यही नया पाकिस्तान था? क्या यही कब्जा ग्रुपों के खिलाफ आपका एक्शन करने का इरादा था? क्या जो आपकी अपनी जमात का सहारा लेके उसका नाम लेके और उसके गाब में उसके पर्दे में लोग शरीफ लोगों की पगड़ियाँ उछालें?